हम सभी का सपना होता है कि हम अपनी फेवरेट सुपरकार को चलाएं, लेकिन हर कोई सुपरकार को नहीं खरीद सकता, इस वजह से हम सुपरकार वाले गेम्स खेलते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए 5 ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप अपनी मनपसंद सुपरकार को चला सकते हैं और मजे कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नंबर 1 के ऊपर अपना गेम, उसका नाम है भाई NFS हीट, और ये गेम आई थिंक 2020 में लॉन्च हुआ था। और ये गेम भाई मैं क्या बताऊं, ग्राफिक वाइज ये गेम बहुत ज्यादा इनसेन है। तुमको यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही सुपर कार मिल जाएगी जिसके बारे में तुमने सपने देखे होंगे कि भाई हम ये वाली गाड़ी चलाएंगे गेम के अंदर, वो तुमको सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर जो सिटी है आई थिंक मायामी के अंदर ये गेम बेस्ड है, और यहाँ पर भाई तुमको ग्राफिक बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और भाई म्यूजिक इस गेम के आई थिंक USP भाई, म्यूजिक इस गेम का बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर तुमको बहुत अच्छे विजुअल देखने को मिल जाते हैं, कार्स अच्छी जैसे कि मैंने पहले बोला, और यहाँ पर तुमको पुलिस वाला सीन भी यहाँ पर NFS के गेम के अंदर देखने को मिलता है, रेसिंग करते हो जो पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाती है। नाइट में भी तुम रेसिस कर सकते हो, तुम्हें पूरी एकदम रियल वाली वाइब इस गेम के अंदर आने वाली, बिकॉज यहाँ पर नाइट कल्चर वाली रेसिंग है जो मतलब होती है बाहर के देशों में, अपने इंडिया में नहीं होती, तो वो वाला सीन तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस जो रेसेस है, जो इवेंट है इस गेम के, मतलब बहुत ही शानदार लगे मुझे, टॉप नॉच लगे, मतलब तुमको नया नया देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही फ्लो के अंदर गेम चलता रहना, भाई बिल्कुल वैसा नहीं, तुम्हें हर रेस यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगी, जो की बहुत अच्छी बात बना रही थी इस गेम को। ये सब तो इसकी अच्छी बात। अब मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये गेम इतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितने NFS के दूसरे गेम होते हैं। ये गेम मेरे को थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज लगता है, पता नहीं क्यों, पर ये लगता है भाई मेरे को गेम। और यहाँ पर तुम इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, जो कि तुम अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हारा हार्डवेयर से मैच करती तो तुम इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। ये गेम बिल्कुल वर्थ है 2023 में खेलना। तो आइए अपन अब चलते अपने दूसरे गेम की तरफ। तो गाइस, जो सेकंड नंबर का गेम अपना वो है द क्रू 2, और इस गेम का भाई मैं क्या ही तारीफ करूं, ये गेम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और आई गेस काफी लोगों को ये वाला गेम पसंद आता होगा, बिकॉज इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे तुमको कार्स तो मिलेगी चलाने को, यहाँ पर प्लस तुमको बाइक्स मिल जाएंगी, बोट्स मिल जाएंगे, एंड प्लेन्स भी तुम इवन इसके अंदर चला सकते हो। तो इस गेम का थोड़ा सा वाइब अलग है भाई, यहाँ पर तुम सब कुछ तुम्हें चलाने को मिल जाएगा, वो भी एकदम अल्ट्रा HD 4K क्वालिटी के अंदर। इसके ग्राफिक बहुत ही नेक्स्ट लेवल के भाई, समझो मेरी बात को, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि तुम देख भी सकते हो भाई, बहुत ही शानदार ग्राफिक इस गेम के, जो कि मतलब इस गेम को बहुत अच्छा बनाते हैं। तुम ये वाला गेम पे डेफिनेटली ट्राई कर लेना, ये वाला गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर तुमको रेस इवेंट्स एंड इवन बहुत सारे डिलीवरी के ऑप्शन भी लाइक मिलते हैं, बिकॉज ये वाला गेम मैंने खेला है तो मुझे इसके बारे में पता है अच्छे से कि इसके अंदर क्या क्या होता है। गाइस, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कार्स तुम सारी चला सकते हो, बाइक्स भी इसके अंदर सुपर बाइक्स जो होती है वो भी है, तो तुम वो भी चला सकते हो। तो तुम्हें भाई बाइक प्लस कार दोनों का मजा आने वाला है, अगर तुम बाइक एंड कार लवर हो तो तुम्हें ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आएगा। गाइस, तुम्हें ये वाला गेम जरूर डाउनलोड करना चाहिए, और यहाँ पर तुम इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, अगर तुम्हारा हार्डवेयर इससे मैच करता है तो तुम इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो आइए अब अपन चलते अपने तीसरे गेम की तरफ। तो गाइस, अब अपन आ गए अपने नंबर 3 वाले गेम के ऊपर, और नंबर 3 जैसे कि मैंने शुरू में बोला था भाई मेरा फेवरेट गेम है नंबर 3 वाला, तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ इस गेम का नाम क्या है। इसका नाम है भाई फोर्ज़ा होराइज़न 5, और ये गेम के भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, तुम्हें भी पता होगा भाई, जितने भी गेम में इस लिस्ट के अंदर बता रहा हूँ ना गाइस, फोर्ज़ा होराइज़न 5 इन सबसे नेक्स्ट लेवल का गेम है, और ये सबको पता है, इसके अंदर कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, जो है वो है भाई। मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग गेम बनाते हैं। इनके गेम एक तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, ये लो एंड सिस्टम के ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं, पर तुमको पूरा मैक्सिको देखने को मिलता है, यहाँ पर तुमको एक डेजर्ट वाली फीलिंग, रेगिस्तान, पूरा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। आई नो ये गेम थोड़ा सा महंगा है, तो काफी लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं, तो अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो तो भाई एक्सबॉक्स का पास खरीद सकते हो, 400 रुपए का आता है, तो उसको खरीद कर तुम इस गेम को ट्राई भी कर सकते हो। ये गेम काफी अच्छा है, इसके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट सारी ही कार्स मिल जाती है जो सुपर कार्स दुनिया के अंदर मौजूद है भाई, वो सारी कार्स तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है, एक से एक ब्यूटीफुल यहाँ पे नजारे तुमको देखने को मिल जाते हैं। प्लस ग्राफिक की तो मैं क्या ही बात करूं भाई, ग्राफिक में तो भाई फोर्ज़ा को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। और तुम्हें जैसे कि पता है गाइस कि ये गेम माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो लोग बिल्कुल भी इस मामले में कंजूसी नहीं करते भाई, वो गेम को पूरा ऑप्टिमाइज बनाते हैं। आई थिंक इस गेम को 2 साल हो गए, ऑफ कोर्स इसके अंदर अपडेट आते रहते हैं, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइजेशन भाई जो पहले दिन लॉन्च हुआ था गेम तब से लेकर आज तक सेम है भाई, सेम परफॉर्मेंस ये गेम निकाल के देता है, इसके अंदर तुम्हें कभी भी लैग स्टटर या ग्लिचेस देखने को नहीं मिलते। तो भाई ये ताकत होती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो तुम समझ सकते हो भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये गेम टॉप नॉच है। और यहाँ पर मैं तुमको इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूँ, तो अगर तुम्हारा हार्डवेयर इससे मैच करता तो तुम इसको डाउनलोड करके मजे कर सकते हो गाइस। तो आइए अब अपन चलते अपने चौथे गेम की तरफ। तो अब जो नंबर 4 के ऊपर गेम मैंने रखा है भाई, ये पूरा एकदम रेसिंग एंथुसियास्ट जो होते हैं, मतलब जिनको रेसिंग गेम ही खेलनी, मतलब स्टीयरिंग लगा के गेम खेलने, तो एकदम फुल रेसिंग वाली वाइब लेनी, एकदम ओरिजिनल गेम खेलना, उनके लिए अपन यहाँ पर पेश करते हैं असेटो कोर्सा कॉम्पिटिशन। आई होप मैंने इस गेम का नाम ठीक से प्रोनाउंस किया हो गाइस। तो एनीवेज इस गेम के अंदर तुम्हें बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, अगर तुम टू रेसिंग एंथुसियास्ट हो, यहाँ पर तुमको बहुत सारी
चीजें यहाँ पे करने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है। और मैंने ये भी सुना है इस गेम के अंदर मोडिंग होती है, तो तुम उसको भी ट्राई कर सकते हो गाइस। और यहाँ पर भी तुमको सभी गेम की तरह एक से एक बढ़कर कार्स देखने को मिल जाएंगे, सुपर कार्स हो, रेसिंग कार्स हो, लाइक तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो बाकी के रेसिंग गेम के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वाली वाइब तुम्हें आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। और इस गेम को मैंने इसलिए रखा है बिकॉज काफी लोग बहुत सीरियस होते हैं रेसिंग को लेकर, तो उनके लिए एक ऐसा गेम होना बहुत जरूरी है जिसके अंदर वो ट्रू एकदम रेसिंग की फीलिंग ले सके और उनको मजा आए। मैं इसकी जगह F1 को भी रख सकता था लेकिन F1 थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मैंने सोचा नहीं यार ये वाला लगता है, इसके अंदर तुम्हें सुपर कार्स भी मिल जाती है, लैम्बोर्गिनी और ये सब, बिकॉज सुपर कार चलाने के लिए हम लोग रेसिंग गेम खेलते हैं, तो ऑफकोर्स हमें इस टाइप के गेम्स की जरूरत ही होती है जब हम रेसिंग गेम को ढूंढते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा है नंबर 4 के ऊपर। और ये गेम काफी अच्छा है, तुम खेलोगे ना गाइस तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक बार मैंने इस गेम को ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा था ये गेम। और यहाँ पर तुम इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, अगर तुम्हारा हार्डवेयर इससे मैच करता है तो तुम इस गेम को डाउनलोड करके मजे कर सकते हो। तो आइए अब अपन चलते अपने 5वें गेम की तरफ। तो जो नंबर 5 के ऊपर गेम मैंने रखा है भाई, इसका नाम है NFS Unbound। और ये गेम भाई रिसेंटली अभी मैं खेल रहा हूँ, ये गेम मैंने अभी खेलना चालू कराया एक हफ्ते पहले। भाई ये गेम बहुत ही प्यारा है, जब ये रिलीज हुआ था तब मैंने इस गेम का रिव्यू किया था, उसके मैंने इसको उतना खेला नहीं था, तो अब मैं इसको खेल रहा हूँ तो भाई मेरे को ये गेम बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ग्राफिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कार्स बहुत अच्छी। इस गेम के अंदर भी तुम्हें NFS वाली टिपिकल वाइब आएगी, कार्स चलाने में इनके जो मैकेनिक्स होते हैं काफी इजी है भाई, अच्छे से तुम गेम को समझ जाओगे, जल्दी गेम को तुम समझ जाओगे। जितने मैंने गेम बताए सबके मैकेनिक्स अच्छे, तुम इजीली गेम को अडॉप्ट कर लोगे बहुत जल्दी। और इस गेम की यार मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस गेम की जो ग्राफिक है ना भाई बहुत ही शानदार है। इवन मुझे इसके ग्राफिक Forza Horizon 5 से भी कभी कभी अच्छे लगते हैं भाई, इस गेम के ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये गेम डेवलप हुआ है Frostbite इंजन के ऊपर जो EA का होता है भाई, वो बहुत प्यारा इंजन है, इसके ऊपर इन्होंने काफी गेम्स बनाया। आई थिंक FIFA 23 भी इंजन के ऊपर बना हुआ है, तो ये गेम काफी अच्छे है भाई, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज बोलूंगा मैं इस गेम को। NFS Heat से ये गेम 1000 times ज्यादा ऑप्टिमाइज मुझे लगा, ये गेम बहुत ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस तुमको देता है, हार्डवेयर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालता और ये गेम बहुत प्यारा लगता है भाई। अगर तुमने ये वाला गेम नहीं खेला ना भाई तो तुम बहुत ही शानदार रेसिंग गेम मिस कर रहे हो भाई, इससे अच्छा मैंने रेसिंग गेम अभी तक नहीं देखा है। Forza को हटा दे तो, Forza वो अलग चीज है भाई, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार चीज है, Forza से इसको कंपेयर मत करना, Forza एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। रेसिंग गेम जो होते हैं ना, ट्रू रेसिंग गेम जिनको बोला जाता है भाई, NFS Unbound उनका ट्रू एग्जाम्पल है। इसके अंदर तुम्हें सारी कार्स मिल जाती है, प्लस यहाँ पर जो अपग्रेड होता है ना भाई, इंजन वगैरह का साउंड, जो म्यूजिक है गेम का, जो बैकग्राउंड की जो वाइब है भाई, जो ग्राफिक है, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, थक जाओगे तुम सुनते सुनते, मैं इतनी तारीफ करूंगा इस गेम की, बिकॉज मैं इस गेम को अभी खेल रहा हूं रिसेंटली, वीडियो बनाने से पहले भी मैं वाला गेम खेल रहा था, तो मैं इस गेम की जितनी भी तारीफ करूं भाई उतनी कम है, मुझे ये वाला गेम बहुत शानदार लग रहा है। आई डोंट नो जब ये गेम दिसंबर में रिलीज हुआ था उस टाइम मैंने इसको उतना क्यों नहीं खेला। ये गेम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है भाई, तुमको बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस इस गेम के अंदर देखने को मिलती है, ज्यादा तुम्हारे सिस्टम के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा और गेम छोटा भी ज्यादा जगह भी नहीं लेगा। आई थिंक 32 GB का गेम है, तो वो बहुत अच्छी चीज लगी है मेरे को गाइस। 100% तुमको ये वाला गेम पसंद आने वाला है गाइस, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, इस गेम को जरूर ट्राई करना। और यहाँ पर तुम इस गेम की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, अगर तुम्हारा हार्डवेयर इससे मैच करता है तो तुम इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो और मजे कर सकते हो। तो हमारे 5 गेम्स की यहाँ पर लिस्ट कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर दूं गाइस, मैंने यहाँ पर कोई रैंकिंग वाला गेम नहीं खेला, तुम किसी भी गेम को नंबर 1 के ऊपर रख सकते हो और किसी भी गेम को नंबर 5 के ऊपर रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, मैंने यहाँ पर कोई रैंकिंग वाला गेम नहीं खेला है। तो भाई मेरी वीडियो बिना बोनस गेम के कंप्लीट तो होगी नहीं, तो यहाँ पर भी एक बोनस गेम मैं तुमको बताना चाहता हूँ भाई, जो कि है अपना बर्नआउट प्रोग्रेस रीमास्टर्ड। जी हाँ, ये गेम भाई पुराना गेम आई थिंक 2009 में आया, और ये गेम मैंने खेला था 2013-14 में जब मैंने PC लिया था। तो भाई ये मेरा पहला रेसिंग गेम था जो ओपन वर्ल्ड था, जिसके अंदर मैं मतलब सीखा था कि भाई रेसिंग गेम भी ऐसे हो सकते हैं, मतलब तो हमें ये पता था भाई GTA होता है जिसके अंदर तुम पूरे शहर में घूम सकते हो, लेकिन बर्नआउट प्रोग्रेस भाई बहुत शानदार गेम है, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। और अब तो ये ने इसको आई थिंक 2017-18 में इसको रीमास्टर भी किया था, तो वो उसके भी मजे तुम ले सकते हो। इस गेम को ये ने बहुत शानदार बना दिया था, पहले भी अच्छा ही था पर ग्राफिक थोड़े से एनहांस कर देते, मोशन ब्लर एंड ऑल सब कुछ डाल दिया था इसके अंदर। तो तुम ये वाला गेम भी ट्राई जरूर करना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जिन्होंने नहीं खेला आज तक, जिन्होंने खेला है तो तुम भी एक बार ट्राई करना, रीमास्टर्ड वाला एडिशन जो है काफी अच्छा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैंने भी ट्राई किया था रीमास्टर्ड वाला, मुझे काफी अच्छा लगा था भाई। सो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर तुम सोनी के गेम्स अपने PC पर खेलना चाहते हो तो तुम मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट करो, और अगर तुम फ्री में PC गेम्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम मेरी राइट वाली वीडियो को चेकआउट करो, और मैं तुमसे वही मिलता हूँ। टिल देन हैप्पी गेमिंग गाइस।